बताऊंगा क्या होगा अगर आपके मल्टीमीटर का 1 ओम्स का रजिस्टर उड़ जाए तो क्या होगा। तो इसी के इसमें 1 ओम्स का रजिस्टर है ही नहीं जो कि बर्न हो चुका था शॉर्ट सर्किट की वजह से। वही वह सेकेंड जो मल्टीमीटर है उसमें 1 ओम्स का रजिस्टर ओके है, 1R00 नाम है उसका। तो उसके लिए मैं डीसी पावर सप्लाई ले लूँगा 3 वोल्ट का और मैं वोल्ट चेक करूँगा जो मल्टीमीटर सही स्टेट में देखिए 2.89 है। वही मैं अभी उस मल्टीमीटर में लूँगा जिसमें 1 ओम्स का रजिस्टर नहीं है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ेगा कि जैसे कि अभी मेज़र कर लिया 2.91 जबकि रीडिंग सही है, इसका मतलब 1 ओम्स का रजिस्टर नहीं है फिर भी मेरा वोल्ट मीटर सेक्शन काम करेगा। अगर वोल्ट मीटर सेक्शन काम नहीं करता एरर रीडिंग दिखाता तो ये चिप का प्रॉब्लम है, तो चिप का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जा सकता। अभी नेक्स्ट हम करंट मोड पे देखेंगे। देखिए 4.MA का करंट इस सही मल्टीमीटर ने देखा और यहाँ पे 19 आया जो कि एरर है और 180 है, इसका मतलब प्रॉब्लम यही है। अगर 1 ओम्स का रजिस्टर नहीं होगा तो आपको एरर रीडिंग आएगा करंट सेक्शन में। उसके बाद मैं 10 एम्पेयर का भी देख लूँ, अभी उसके लिए मेरे को पावर बढ़ाना पड़ेगा करंट। देखिए 0.11 इसका मतलब 100 MA का करंट है इसमें, इसका इसमें भी वही दिखा है मतलब 10 एम्पेयर भी सही है। अभी कंटिन्यूटी मोड पे टेस्ट करेंगे, कंटिन्यूटी मोड या फिर ओम मीटर जिसमें आप रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो अभी मेरे पास 1 ओम्स का रजिस्टर है, इसे मैं मेज़र करके देखूँगा 1 ओम्स का रजिस्टर। देखिए 1.5 ओम्स 1.8 आया समथिंग, इसका मतलब वोल्ट मीटर सेक्शन भी चालू है विदाउट 1 ओम्स का रजिस्टर मल्टीमीटर में लगे हो और उसमें तो दिखाई रहा है सही रीडिंग। और ये 0.5 इसलिए क्योंकि 0.5 जो है ये मल्टीमीटर के प्रोब के वायर का रेजिस्टेंस है। तो अभी मैं इसमें 1 ओम्स का रजिस्टर लगा रहा और चेक करूँगा कि जो मेरा करंट सेक्शन जो प्रॉब्लम में था एरर रीडिंग आ रहा था वो सॉल्व होती है क्या। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रजिस्टर लगा लेता 1 ओम्स का, ये मैंने सोल्डर कंप्लीट कर लिया। अब फिर से मैं करंट सेक्शन में मेज़र करूँगा, जैसे कि पहले मल्टीमीटर में मैं मेज़र कर रहा हूँ करंट 0.23, ठीक है। वही मैं उसी दूसरे सेकंड मल्टीमीटर देखिए 2.3, इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और जो एक्चुअल प्रॉब्लम था 1 ओम्स का रजिस्टर ना होने से क्या होगा, वो होगा कि मेरा एमीटर सेक्शन काम नहीं करेगा या फिर एरर रीडिंग देगा। अगर इसके अलावा कुछ होता है तो आपको वो ब्लैक चिप का प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक चिप पूरी मेड इन चाइना सिस्टम है पूरा, सिर्फ रिपेयरिंग इसमें इतना ही होगा। इनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं और रेजिस्टेंस के बारे में 1 ओम से की हुए तो कमेंट करें, उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा।